तो बाला गौरिया को प्रणाम करके अब हम निकल रहे हैं आगे को। ये कुमैया भरत मंडली का गोयल देवता का मंदिर है। बाला गौरिया तो सबके हैं लेकिन मंदिर उनका है और उनकी जगहों में है, लेकिन यहाँ से आगे का जगह हमारी होती है शुरू। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ होनहार पेड़ बहुत काफ़ी पुराना पेड़ था, ये हमारी जगह में है। ये हमारे ही किसी गाँव के सज्जन ने इसको जलाने का भरसक प्रयास किया 2-3 बार, लेकिन वो नाकामयाब हो गया था। लेकिन अंतिम बार में उसने जला के छोड़ दिया, क्योंकि इसी के सारे पत्ते मई जून के महीने में यहाँ इकट्ठा करके उसने इसमें आग लगा दी थी। तो मित्रों, मेरे को पता चल गया था, काफ़ी गुस्सा भी आया, तो पता चल गया था उसने चोरी छुपे जलाया। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हम उसके घर को उसके सामने भी जला सकते थे, लेकिन नहीं। बाला गौरिया ने बोला हम हैं न्यायकारी करने वाले, न्याय करने वाले, उसका जो करना है हम करेंगे, तो हमने भी छोड़ दिया फिर। लेकिन उसकी चोर भरी निगाहें हमारे सामने से अभी भी गुजरती हैं, तो उसके आँखों में वो चोरी और उसका डर साफ दिखता है। तो इसलिए मित्रों, समय क्या किससे करवाएगा वो तो बात की बात है। तो इस पेड़ को देख के अभी भी दुख होता है। तो आप इस पेड़ के बारे में क्या कह सकते हैं, देख लीजिए। गांव के लोगों ने जब देखा था, तो मैंने डाला था इसको भी, तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने भर्त्सना की थी, निंदा की थी, लेकिन अब देख के दुख होता है। आपको तो देख के दुख, सुन के दुख हो रहा होगा, तो हमें तो देख के दुख हो रहा है, क्योंकि ये हरियाली में समेटे हुए ये पीरान खंडर बूढ़ा पेड़ देखो, सब पेड़ हरे भरे हो रखे हैं, ये लेकिन सूखा हुआ है। इसकी सज़ा वो न्यायकारी वाजा वाला उसको दे देगा आराम से। तो मित्रों चलो अब आगे को चलते हैं, ये तो कोई बात नहीं, हम सब भूल जाते हैं, ये तो यहाँ पे आके याद हो गई थी, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। क्या रखा इस दुनिया में, एक पेड़ गया तो कोई बात नहीं। आदमी तो यहाँ बॉर्डरों पे आदमी चले जाते हैं, सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, माताओं के लाल शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना, मेहंदी का कलर नहीं उतरता और विधवा बन जाती है। तो हमारा एक पेड़ शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली कभी भी। तो मित्रों, ये घास का हमारे खेत हैं, इन खेतों से हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। आपको अपना घर दिखाएंगे अभी, अपना पुराना घर। काके, वो हमारी चाची क्या कर रहे थे यहाँ, तो कह घा काटम से तू तो कह घा काटम से का कहते अच्छा ये चाची कोची का नमस्कार का कोनी देखो अच्छा खाली फोटो खिचाम नाला खाली फोटो नहीं हमार सच्ची फोटो खिच मई अच्छा पता के नहीं दिखाम से आला है हां सब सब दिख में अच्छा दिल्ली में राधा दे देख में अच्छा राधा तब चली देखम जाओ ना अच्छा और सब ठीक ठाक सब बढ़िया अरे ठीक छ चल ठीक छ तो चाची चाची मिल गई थी अरे पर घा घा को बहुत है हाँ अम्मा भी आई है वहाँ पे ना वो इसको घुमा रहे आप बत्ती का आज अब थोड़ा ग्राम छूतक लो मन नहीं आए फिर एल जी नहीं तो बत्ती लाची तब नहीं लाई हाँ ग्राम छूतक फर्जी ना तो ना वो नान ला रही हूँ मल पन है नाल ये आम अम्मा देखो एक सफाई पे लगी हुई है एक घास के बीच में ये जो पेड़ हो रखे हैं भटुली के इनको निकालने में लगी है क्योंकि ये तभी घास होगा आगे नहीं तो फिर घास नहीं होता है देखो हमारी सुंदर सुंदर अम्मा मैया जी के नाम से जानी जाती है हमारी अम्मा गांव में फेमस है सब देखो ये देखो क्या हंसी है मुस्कान है ये देखो ऐसी मुस्कान शायद ही कभी मिलने को मिलती है देखो यही होता है प्यार ये गाँव की अम्मा बोल हाँ गांव की अम्मा और पूरा गेवाल घाटी में मैया जी के नाम से फेमस है हाँ तो हमारी अम्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं और आगे को निकलते हैं अम्मा पानी पियोगे ठीक है अम्मा पानी लाई है वो तो सब कुछ दिखा दे आओ हाँ सब देखनी है सब सब जानी फिर ये देखो हो बे बस तुम लोगों आशीर्वाद से और के चाहे फिर और के अरे ना और के आप कोई अरे कोई तो खुश हो है ना फिर और के छु न्यारे नह जामे यार ठठड़े में से कवर कल कवर तक रोने के पता थोड़ी जो है फिर चल हम अपना मल थोड़ा आप घर दे आनू ओ